यार इतने दिन हो गए मम्मा से मिलने नहीं गई, तो मम्मा की तरफ चलें। उनको ले आओ, कोई दो एक दो दिन रखो अपने पास, जब से शादी हुई है कभी एक बार भी नहीं आई हूँ रहने। हाँ। जितने कपड़े मम्मा से सिलवा रही हूँ उनमें से एक दो शर्ट ले जाऊंगी ना। पक्की बात है तुम कपड़े लेने आई हो? हाँ। मैं आपको लेने के लिए आई हूँ, चले। ऐसे थोड़ी होता है लेने के लिए आई हूँ कि चले। आज हम आपको लेके जाएंगे, हम ये डिसाइड करके आए। मम्मा को लेके जा रहे हैं हम लोग? नहीं, पागल हो, बाकी तुम्हें कौन संभालेगा? देख लो एक रात, देख लो नहीं आई तुम्हारे पास। अगर आज आपने इनकार कर दिया मैं समझूंगी आपको मेरे से प्यार नहीं। हमारी बहन ले गए, इतना काफी नहीं है, माँ भी लेने आगे। खूबसूरत जंगल मंगल में, क्योंकि मैंने सुबह उठते सार जो है वो ये जंगल मंगल वाली जो है ना वो बेडशीट बिछा ली है। और मुझे था कि यार ये मुझे बड़ा प्यारा कलर लगा है। मेरे हस्बैंड साहब मुझे सुबह से तंग कर रहे हैं, तुमने क्या जंगल बिछा लिया, क्या जंगल बिछा लिया। मैंने कहा यार प्यारा लगता है, वाइब लगती है, ट्रॉपिकल लगता है, मुझे अच्छा लगता है, तो जरा हरा भरा इंसान रहता है। अभी जो है वो सीन ये है कि अरीब साहब जो है वो बाहर बैठे खाना शाना खा रहे हैं। मैंने बड़ा मजे का पुलाव बनाया है और ये देखिए साथ देखा जा रहा है मैच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पूरा दिन इनका टेस्टिंग करती रहती है ना। हां, सुबह 6 बजे शुरू होती है, रात 9 बजे टेस्टिंग करती आउट हो गया। ओ नो, ये भी हारने लगा। या अल्लाह, ना कहे ना ऐसे, अरीब दिल खराब होता है। हालांकि मैच की कोई समझ नहीं है, लेकिन फिर भी आप जब ये कहते हैं पाकिस्तान हारने लगा, दिल को कुछ होता है। खैर, अगर आप लोगों ने अभी तक 4 मिलियन सब्सक्राइबर करने में कोई कोशिश नहीं ना किया तो मैंने आपसे हो जाना है भाई नाराज। फटाफट 4 मिलियन जो है ना वो करते हैं, सब्सक्राइब का बटन दबाते हैं, वीडियो देखे सब इंजॉय करते हैं खाना खाते टाइम, जैसे इंजॉय करते हैं अरीब साहब मैच देखते हुए खाना खाते हुए, ठीक है। तो ऐसे आप मेरा व्लॉग भी इंजॉय करते हैं, तो 4 मिलियन सब्सक्राइबर जल्दी से कर दे, क्योंकि बहुत इंजॉय करने वाले हैं हम लोग बहुत जल्द। अच्छा, आज मैं ये चीज सोची थी अरीब, खाना खा लें फिर बताती हूँ यार। चलते नीचे जाके भाभी से मिलते, बिल्ली शिल्ली से मिलते। लाल पजामा पहन के मुझे पूरे का पूरा नीला डोरेमोन लग रहा है। चाची से मैचिंग किया आपने? ब्लू रेड, मैंने भी हल्की आंख पे ब्लू रेड ही पहना हुआ। जुहान कहीं ना आ गया, बाय, मैं जा रही हूँ। सुन ही नहीं रहा यार, देख बच्चे प्रो मैक्स बिस्ती करते हैं ना आपको इग्नोर करके, जिंदगी में कोई इतनी बिस्ती नहीं करता। बाय बाय, मैं जा रही हूँ। बाय। भाभी आप क्या कर रही हैं? आप भी सारा दिन बस मोबाइल घुमाती रहती हैं, इंजॉय करती रहती हैं, मोबाइल घुमाती रहती हैं, कपड़े देखती रहती हैं, दिल भेजती रहती हैं अपने हस्बैंड को, बस दिल ही भेजती रहती हैं। भाभी कह रहे हैं केड़ा दिल, एक ही दिल था देख। क्या लाइन है यार, दिल या बिल, वाह वाह वाह। आपको बंदा शरीफ आ गई? बंदा शरीफ आके ऊपर मैच देख रहा है, नीचे भाई फोन पे मैच देख रहे हैं, ऊपर अरीब मैच देख रहा है, साथ वो खाना खा रहा है, साथ इंजॉय कर रहा है। वो भी यही कह रहा है पाकिस्तान हार जाएगा। मैंने कहा मैच की चाहे मुझे समझ नहीं है, लेकिन दिल दुख रहा है मेरा जब ये कहता है कोई कि पाकिस्तान हार रहा है, पाकिस्तान जीतना चाहिए यार। भाई ने कहा है कि पाकिस्तान को जीतने के लिए सिर्फ छक्का चाहिए, अरीब से जाकर पूछती हूँ। अरे पाकिस्तान को जीतने के लिए छक्का चाहिए, छक्का चाहिए, पाकिस्तान। मोए मोए, वो बच्ची रो ही रही है यार बेचारी, पाकिस्तान के हारने का दुख नहीं, इसके रोने का ज्यादा दुख हो रहा है मुझे। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, वर्ल्ड कप में जीतेंगे इंशाल्लाह। ओह माय गॉड, वो भी रो रही है और इधर ये भी रो रहा है। चेंज वेंज कर ले फिर, आपको काम करना है, आदत आपकी मैच खत्म हो गया ना, बस ठीक है। क्या क्यों चेंज वेंज कर लूं, मैं रेस्ट करने लगा, सोने लगाऊं? क्या मतलब सोने लगे? अरीब मेरी बात तो सुने। सुनाए जी सुनाए, टीवी बंद कर दिया मैंने, सुनाए। अब आपकी बात ही सुनने के लिए टीवी बंद कर दिया, अब बताएं। यार इतने दिन हो गए मम्मा से मिलने नहीं गई हूँ, तो मम्मा की तरफ चलें, मिलाती हूँ फिर थोड़ी देर में आ जाऊंगी। इतना सीरियस हो गया पूछ रही हूँ, खैर है, प्लानिंग करके आई हूँ, सीरियस हो गया पूछूंगी तो मान जाएगा है? मैं आपको जैसे भी कहूँ आप मान जाएंगे, आपके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है। और कोई ऑप्शन? ये कौन सी धमकी है भाई, ये मैंने पहली बार सुनी है, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। अरीब ले जाए ना, थोड़ी देर वहाँ बैठेंगे, इंजॉय करेंगे, फिर वापस आ जाएंगे, मिलाऊंगी। तो ले आओ उनको, ले आओ, कोई दो एक दो दिन रखो अपने पास, जब से शादी हुई है कभी एक बार भी नहीं आई हूँ रहने। हैं? अरे वो नहीं आती हैं उनको, अभी ऊपर से पापा भी नहीं है, वो कहते हैं घर की जिम्मेदारी। इतनी बार मैंने उनको बोला आ जाए घर, आ जाए घर, मम्मा कहती हूँ आज आवांगी कल आवांगी, टाइम नहीं है,
वो कर रही है करते करते उनका दिन निकल गया। थोड़ी है वो, हम वो छोटी बच्चियां नहीं है, मेरी मम्मा एक छोटी बच्ची है, उनको टेंशन लगी रहती है कि राबिया छोटी है, ज़ैनब छोटी है, हालांकि वो अपना पूरा टाइम खुद संभाल लेंगी अपने आप को, उन्हीं की बात कर रहा हूं, वो छोटी बच्ची है थोड़ी है, बाकी वो संभाल लेंगी अपने आप को, आओ चलो आओ उनको लेके आते जबरदस्ती। क्या मतलब लोगों ने भी कहा नहीं था कि तुम्हें रहना चाहिए आंटी को तुम्हारी तरफ है ना, आओ लेके आए जबरदस्ती। लेकिन ये नहीं कहना कि अगर वो कहेंगी कल चलेंगे परसों चलेंगे, ये नहीं, इस पे नहीं मानना, फिर मैं जाऊंगा लेने। अच्छा जो मर्जी हो जाए आज उनको लेके आना, बस ठीक है जो मर्जी हो जाए आज उनको लेके आना। मम्मा ने बहुत ड्रामे लगा लिए इतनी, जब से मेरी शादी हुई है गाइस आती हैं थोड़ी देर के लिए, 2 घंटे बैठती, 3 घंटे बैठती हैं, फिर गाड़ी पकड़ती हैं निकल जाती हैं, मतलब मेरे घर में रहने के लिए नहीं आती, और मैं चाहती हूँ कि वो मेरे घर नाइट स्टे करें, मेरा दिल चाह रहा है मिलने का, एक बेटी को भूल गई है वो बिल्कुल आती नहीं है रुकने के लिए। आज मेरे हस्बैंड ने मुझे मोटिवेट कर दिया कि उठाओ उनको घर से लेके आओ अपने घर पे। मैं गरीब के ड्रेस लगा लूं, मैं भी सुपर एक्साइटेड हो गई गाइस, ये तो आइडिया मेरे माइंड में आया ही नहीं था अपनी अम्मा को लाने वाला, तो ये आइडिया तो मेरे हस्बैंड ने मुझे बड़ा प्रोमो एक्सा दिया, तो गरीब साहब के हम निकालते हैं हम लोग कपड़े फटाफट। गरीब को अपनी वार्डरोब में सबसे अजीब शर्ट ये लगती है, और ये इत्तेफाक से मेरे ड्रेस के साथ हल्कियां आज पे मैच हो रही है। अरे वेख मेरी बात, दरवाजा तो खोलो यार, अंदर कोई शर्ट नहीं है, तो यही पहननी पड़ेगी जो पहले पहनी हुई है। नहीं पहननी, ये अजीब लगती है। क्या अजीब लगती, मेरे ड्रेस के साथ अरे फुल मैच हो रही है, फुल आज मेरे कहने पे पहन ले, प्रेस कर देती हूँ मैं, कर दो प्रेस, कर दूँ। अल्लाह कितना अच्छा मेरा हस्बैंड मान गया, क्योंकि ना मानने की तो ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, चलो जी गाइस अरीब साहब हो चुके हैं, टन टन है, एकदम रेडी, दिखाएं जरा कितनी अच्छी लग रही है। मुझे नहीं लग रही, इकड़ा को लग रही है कह रहे मस्ती पहनी है, मैं कंघी कर रहा हूँ खड़े बालों को, अरे और इसको बेचारे को फुसलाई जा रहे हैं बालों के, लेकिन ओवरऑल माशाल्लाह शर्ट अच्छी लग रही है। चलो लेट्स गो, हम लोग निकल गए हैं नीचे, मैंने भाभी वगैरह को बता दिया था कि मैं जा रही हूँ अपनी अम्मा को जबरदस्ती लेने के लिए। तो ये क्या है? ये मेरा बैग है, टोटी बैग, टोट बैग, अरे टोट बैग, हाँ जी, टॉपर निकाल दिए, ऐश ऑफर वाले तक नहीं कटे, ये तुम्हारे लिए छोड़ता कि तुम निकालो ताकि तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो जाए। ओके गाइस, तो अब हम शॉपर की अनबॉक्सिंग करनी है, परफेक्ट। अब पहुंचे गाइस मामा की तरफ, और उनको मना के बहला के फुसला के मैंने बिल्कुल नहीं इमोशनल होना, मैंने उनको कहना है कि चले मेरे साथ तो जाके देखते हैं, लेट्स सी। बाकी घरों का रिएक्शन बड़ा सवेर होने वाला मुझे पता है, उन्होंने कहना हमारी माँ लेके जा रही है, अगर मेरी अम्मा मान गई तो, अब लेट्स सी वो मानती है या नहीं देखते हैं। फाइनली हम लोग पहुंच गए घर, मामा को लगेगा हम लोग उनसे सिर्फ मिलने के लिए आए हैं, अभी जाके उनको भी देते हैं सरप्राइज। अरे वैसे सच्ची मामा को लगेगा हम इनसे मिलने के लिए आए हैं, खाली देख ही कहेंगे मिलने आए हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता कहानी डालेंगे, फिर जब ये रजिस्टर करेंगे फिर ऐसे लेके जाएंगे जबरदस्ती। जबरदस्ती घर पहुंचे, घर बिल्कुल खाली 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 खाली, कहां है सामने रूम में है सब खाली, सब रूम में। अस्सलाम वालेकुम, मम्मा तो कोई सूट कटाई कर रही है, मशीनरी हो रही है, आपके मम्मा के कपड़े जीनों के मैच कर रहे हैं, ओए ओए ओए, वो किसी वजह से नहीं, समझ गए आप, बनता है ना। अस्सलाम वालेकुम मम्मा, फिर आपकी टूटी टांग वाली ग्लासेस, मम्मा की ग्लासेस देखें भाई, मुझे गिफ्ट कर दे कोई ग्लासेस, सब कुछ बदल गया, बस अगले गिफ्ट कर देंगे, ठीक है डन, सब कुछ बदल गया, बाल नहीं बैठे, जिम कैसे जा रहा है एकदम, आप छुट्टियां मार रहे हैं जिम से, तुम्हें वो बताते रहते हैं वहाँ पे लोग तो, नहीं अब वो जो हमारा ट्रेनर है वो आपका भी ट्रेनर है, तो वो दीश मिलीश करते रहता है, वो कहते आते ही नहीं है, 4-4 दिन छुट्टियां करते हैं, ये तो मुझे पता, मेरा हस्बैंड ये जो आपकी आपकी है ना, हाँ पता जिम का क्या कहीं है, साथ ही होता है कई लोग जाने दे तो कुछ करो बंदा उससे मजाक कर। अच्छा वालेकुम अस्सलाम, देखो आई अभी, तुम तो आती खैरियत, हाँ मैं तुम्हारी आवाज सुनी है तो मैंने कहा मैं देख के आऊं, आप ही की आवाज लग रही है, मेरे कान बज रहे हैं, हाँ मुझे आप ही की आवाज है, वापस से वो क्या कहते हैं स्पीकर वापस आ गया घर में, ये कुछ खाने के लिए लेके आई हो, बहने याद आ रही थी कि मैं तो कुछ खाने के लिए नहीं लेके, मैं तो तुम लोगों को कुछ ले जाने के लिए आई हूँ, क्या कुछ भी नहीं, अभी तुम्हें पिंपल हुए हैं, ये देख मुझे भी पिंपल हुआ है, पिंपलू नहीं, कौन सी शर्ट चाहिए, कौन से कपड़े चाहिए, ये जितने कपड़े मम्मा से सिलवा रही हूँ उनमें से एक दो शर्टें ले जाऊंगी ना पहन के वापस, ठीक है अभी एक सेकेंड, पक्की बात है तुम कपड़े लेने आई हो, हाँ तुमने अभी कहा मैं कुछ लेने आई हूँ, हाँ तो कपड़े लेने आई हूँ, नेल पॉलिश लेने आई हूँ, मेकअप लेने आई, सालन खाने आई है, मतलब मामा के हाथ का ही कुछ खाने आई हूँ, देख लेना जी। फातिमा भी ऊपर से आ गई है, क्या हाल है तुम्हारा,
मिस तो नहीं किया तुमने मुझे ज्यादा, तुम्हें पता तुम्हारी मिस वाली चीज इतनी वो हो रही है, अल्लाह माफ करे, कान दिखाओ अपने। क्या मिस वाली चीज? मैंने कहा फातिमा तो मुझे मिस तो नहीं करोगी, तो तुमने कहा नहीं, तो लोगों ने उसका इतना एंजॉय किया। तो सही कहा ना, चौथे दिन तो अपड़ जाती हो। मम्मा जो है वो किचन में आ गई है, मम्मा पूछ रही है कि क्या लाऊं, क्या करने लग गई है मम्मा। ये देखो ये खाना है, मैं गरम करती हूँ, खाते हैं। क्या खाना? भटूरे, चावल, कबाब। ये कहाँ से आया? ये कहीं से गिफ्ट आया। अच्छा ये गिफ्ट आया, और आज आपने बनाया क्या है? आज मम्मा ने वैसे बनाया काफी कुछ, अल्लाह। अब खाना शाना नहीं है कुछ भी, अब मैं बता, आप बस चले मेरे साथ। कहाँ चलूँ? मेरे घर। पागल, तेरे घर तो मिल तो लिया, अब क्या करना जा? मैं आपको लेने के लिए आई हूँ, चले। ऐसा थोड़ी होता है कि लेने के लिए आई हूँ कि चले। क्या मतलब मम्मा, ऐसा थोड़ी होता है। मैं अरे मेरे काम तुम कर लो, इधर रह लो, मैं चली जाती हूँ। मम्मा क्या मतलब? नहीं मतलब मैं अपने साथ लेने आई हूँ बस, ठीक है चले। इधर ऐसा नहीं होता, बंदा कोई फोन करता है कि मम्मा मैंने आपको साथ लेके जाना है, आप तैयार रहे, कोई बैग तैयार करें, तो ऐसे आ गए मम्मा चले, ऐसा कोई होता है? आंटी का नंबर क्या है? क्या करने लगे? आंटी को फोन करने लगा, मैं बताने को आंटी हम लेने आ रही है, तैयार हो जाए, हम साथ चल रहे। हेलो, दो दिन पहले करते हैं, दो दिन पहले करते हैं। बिल गेट साहब से हम अपॉइंटमेंट लेंगे पहले, कि बिल गेट साहब हम आए हैं, हमें टाइम निकाले। हस्बैंड से इसी बात पे लड़ाई होती थी, वो मुझे कभी अर्जेंट आके कहते थे तो मैं कभी नहीं तैयार हुई थी। आज हम आपको लेके जाएंगे, हम ये डिसाइड करके आए हैं। मेरे पीछे भी कोई कार एक है, मेरे बच्चे गए, बड़े बच्चे हैं माशाल्लाह, समझदार बच्चे हैं, वो संभाल लेंगे। है कौन सा बिल्ली जैसे बच्चे, इतने छोटे छोटे कार हैं मेरे बच्चे, बहुत छोटे तो नहीं है मम्मा यार, बच्चियां अभी छोटी, उनकी कोई शादी नहीं हुई तेरी, अल्लाह बगैर ही बड़ी होगी माशाल्लाह। मम्मा मेरी शादी होगी लेकिन मैं भी आपकी कदर बच्ची हूँ यार, चले मम्मा। मम्मा क्या पागल हो यार, मजाक ना करो, चलो मम्मा यार मजाक नहीं कर रहे, आज आपको लेके जाना है, हमने अरेंज कर रहे, लेके जाना है, करके आ गए हैं तो लेके जाना है, तो कोई मम्मा को लग रहा है कोई प्रैंक, प्रैंक प्रूंक नहीं है ये, सच्ची में लेके जाना है आज, इनको लेके जाना है, चलो परमिशन दे दी तो फिर रेडी कर दे, बात परमिशन बात कर लेते यार। अरीब ये क्या बात है, मतलब परमिशन लेंगे, उनको बताना कि हम लोग जा रहे हैं। हाँ ठीक है चलो, राबिया ज़ैनब फातिमा मम्मा को लेके जा रहे हैं हम लोग, ठीक है, तो बाद में मुलाकात होती है, ठीक है, बाय। नहीं क्या नहीं, पागल हो क्या? नहीं तुम्हें कौन संभालेगा, तुम्हें क्या काकी हो, तुम काकी हो, तुम्हें कौन संभालेगा, आप फीटर पीते हो तुम, अल्लाह ये छोटी बच्ची से बिस्तर में गगूसी रहती, तुम्हें क्या उन्होंने संभालना है? नहीं, नहीं, तुम... मेरी मम्मी क्या मतलब, असल मसला ज़ैनब को होना, मुझे लगता है ज़ैनब अपनी मामा के बगैर नहीं, मैंने ओ एक मिनट, आप लोग लेके क्यों जा रहे हो मामा, क्योंकि वो इतना कह रही है मैंने अपनी मामा को अपने घर लेके जाना है, मैंने इसकी इजाजत दी, तुम्हारी मामा तुम्हारी गली की नहीं, चाचा तुम्हारी घर है, चाचा बड़ी बहन है, वो हर टाइम तुम लोगों के पास रहती है, उसके पास रहती नहीं, बेचारी मिस करती है, उसके पास तो अपना हस्बैंड भी है, हमारे पास हमारा बाप अमेरिका गया, क्या बात, क्या बात कर रही है, शादी करो उनकी सबकी बारी में, इन्होंने ब्याह करा दिया सारे ने यार, इजाजत नहीं दे रहे, हमने कोई इजाजत नहीं लेनी, हम ऐसे ही लेके जा रहे हैं, कोई हमें किसी की, हमें ना किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है, ठीक है, इनके दो अजय जोड़े निकालो, ठीक है, अलमारी से पैक करो, लेकिन अपने जो टोट बैग लाइयो वो पकड़ो, मैं मामा को अच्छा यूनिवर्सिटी नहीं जाती, बात खत्म, मम्मा ये क्या लड़ने लग गई है दोनों, ऐसे करना, पता है क्या करना, मामा लेके जानी है, हाँ ले जाओ, लेकिन ये वाली मिलो, लेके क्यों जाना मामा, आपकी मम्मा यार, मम्मा की सुनी जाएगी, जाना चाहेंगी भैया, मैं तो पहले कह रही मैं ऐसे अर्जेंट नहीं जाती, पहले देख लो इकरा, देख लो नहीं आई तुम्हारे पास, ये देख लो है इकरा, वीकेंड पे होता है सुबह, मम्मा मैं ना अगर आज आपने इनकार कर दिया मैं समझूंगी आपको मेरे से प्यार नहीं है, शादी के बाद, शादी के बाद मेरी माँ बदल दी, बड़ी बात, बड़ी बात, बड़ी बात, इमोशनल ब्लैकमेल कर, नहीं जो भी समझे, मुझे ऐसे लग रहा है ये देखो मैं कि मैं ना इस घर की अरीब सुतेली थी, मैं निकली हूँ, मेरे साथ जाने को कोई तैयार ही नहीं होता है, कौन मियां जाती है साथ, अब क्या मतलब बेटी और माँ का रिश्ता बदल गया क्या, एक दिन की बात एक है, एक दिन भी नहीं करा, एक बज गया हुआ है, हमारे पापा बता रहे हैं हमारी बहन ले गए, इतना काफी नहीं है, माँ भी लेने आएंगे, लेकिन मम्मा यार प्लीज मैंने आपको बस कह दिया है कि आज आपने उसकी जान छुड़वा मेरी मानो ले मम्मा भी अभी और भाई मेरे स्कूल दुआ से स्कूल छोड़ूंगा मैं सुबह, चलो सुबह ऐसा करना अगर मैं चली जाती हूँ तो तुम भी उधर सीधी आना स्कूल से, राबिया तुम भी कॉलेज से सीधी उधर यूनिवर्सिटी से तो आना मामा को लेने, ओए मेरी बात सुनो राबिया, तुम लोगों का खाना हमारी तरफ, तुम लोगों का सुबह का लंच हमारी तरफ है, ठीक है, तुम लोगों के मम्मी उधर होंगे ना, तुम अभी मम्मा से बात तो ये कि सुबह से 7 बजे स्कूल जाना है वो कैसे करेगी, वापस कितने बजे आना स्कूल, मैंने तो वापस आना है काफी लेट, मैंने सुबह 7 बजे स्कूल जाना है, वापस कितने बजे आना है, बस 12:30 हम लोग फ्री हो गए उधर आ जाना, साथ खाना खाएंगे, मामा को ले जाना, मामा ठीक है, परमिशन तो ले लो मैं तैयार हो गया, मम्मा बड़ी चला यार ये देखे अपने मम्मा ने तैयार हो जा।
मम्मा हमारे साथ जा रही है ना आज रात रहने, तो घर की सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है, वो ये कहने के लिए तुम्हें बुलाया कि आ जाओ, तुमने सुबह सारा घर संभालना। मैं भी साथ जाऊंगी, मैं भी जाऊंगी, मम्मी जा रही है मैं भी जाऊंगी। अब तो अब हम अपनी मम्मी ऐसे नहीं ले जाते। क्या मतलब ऐसे कैसे नहीं, क्या उसके लिए क्या जाने? आपको मैं आपको एक जेन्युइन बात बताऊं, इन सबको ना अपनी जरूरतें याद आ रही है। सुबह मेरे मम्मा को नाश्ता बना के देना, बताओ। नहीं सुबह मैंने 8:30 बजे दूध वाले ने आना, हीरा को लेना पड़ना दूध। मम्मा आप तो बिल्कुल चलो यार, कितने बजे उठना पड़ेगा? 8:30 बजे आए यार, एक रात की तो बात है, जाने दो यार। मम्मा ने आज यार खुद ही मांग लिया, नाइस। मम्मा इतनी कन्विंस हो चुकी है जाने का। हाँ हाँ, अगर तुम जिम्मेदारी लो मेरी चीजों की तो नहीं लेती है। आप बताओ, दिल कर रहे जाने का? अब अच्छा, बगैर जिम्मेदारी के दिल कर रहे हैं। मम्मा का दिल कर रहा तो एक दिन के लिए मम्मा को छुट्टी दी। चलो, हीरा ने मैच्योरिटी का मुजाहरा करते हुए अपनी माँ को इजाजत दे दी। वाह वाह वाह, हीरा जिम्मेदारी तो होने देती। मम्मा का चेहरा सुहाना लगता है, राधे इस साइड से पकड़ो आके। तो दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है, पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते, पल भर में कैसे अम्मी बदलती है, साथ ही बेटियां ये साथ ही। तो हर अपना बेगाना लगता है, अब तो अपनी सारी बेटियां बंद करो, बेटी लग रही है, बाकी सारी बेटियां बेगानी लग रही है। जा रही है भाई, जा रही है। मम्मा आपकी एक बेटी आपको रोड तक छोड़ने आई है, एक मुखलिस बेटी आपकी यही है, ठीक है, एक लेके जा रही है। हाँ बड़ी है ना, आज चलो ओके बाय बाय। तो जिसके पास जा रही है वो सुतेली बेटी है, वापिस आए तो हार लग रही है इस वक्त। बाय। आज हमने जो बोला था हमने वो पूरा कर दिया। हम भी खिलाड़ी हैं अपने खेल के पक्के। हाय, वेलकम होम, वेलकम होम, लेट्स गो टू इकरास होम, इकरीव्स होम। उन्होंने पहली दफा रिक्वेस्ट की है, लिहाजा जाना चाहिए, लिहाजा जाना। सही, ठीक है, गुड गुड गुड। हम लोग पहुंच चुके हैं जी घर, अब बस घर चलते हैं और मम्मा को खिलाते हैं अच्छा सा जबरदस्त सा मजेदार सा खाना। तुझे किसने कहा मैं खाना खाती हूँ? अल्लाह, क्यों आप खाना नहीं खाती हैं? मैं सिर्फ डाइट प्लान पे। ओ ये आपका टिनन टिनन, ये है प्रोटोकॉल। अच्छा मालिकू, क्या हाल है? भाभी आप कब से इंतजार कर रही है, हमने उनको कहा था कि आंटी को हम लेके आए ना बस्ती वाला। वो नीचे देखो उसको खुशी से पागल हो रहा, पता नहीं कौन सी। सलामलेकुम, सलामलेकुम करो, ठीक है, सेट है, सब सेट है उसकी जिंदगी में। यहाँ जो है ना वो मम्मा और सुहाना लगे हुए खेलने के लिए, बॉल मिल गया अब उसको, कद्दू सिंह बकरी दोस्तियां डाल ली है इसने, गया वापस, अब इसको उसका बॉल चाहिए, थैंक यू, बस अभी आएगा ये पकड़ेगा, भागेगा, दौड़ चेक करें और चाचू को देगा। और यहाँ से ये चाचू और मम्मा के साथ प्रॉपर गेम खेल रहे। चलो जी गाइस, खाना लग गया है, बहुत मजे की यम्मी वाली बिरयानी, साथ में सैलेड। भाभी ने ये कोई सरप्राइज डिश बनाई है मेरी मम्मी के लिए, भाभी ने स्पेशली। ये क्या है? नहीं आई ना बाकी, ये उन लोगों ने ये मिस किया है, देख लो। हाँ हाँ, ये देख लें गाइस, तुम लोग नहीं ना आई, हीरा फातिमा राबिया जैनब, ये चार अदद सिस्ट्रोलॉजी गैंग की लड़की हो, देख लो ये मिस किया। अब हम खाने लगे हैं खाना, मेरा मम्मी और मेरे हस्बैंड और भाभी और बिल्ली और सब मिलके खाना खाते हैं और फिर चलते हैं रेस्ट करने के। A few moments later, हम लोगों ने खाना शाना खा लिया था, परफेक्ट हो गए थे, मम्मा को लेके मैं ऊपर आ गई और मम्मा आते साथ जो है ना वो मेरी जरा चीजों की चेकिंग कर रही है कि मेरी बेटी ने इतनी जो सेटिंग की है, मैटिंग की है, वो उसमें क्या इनकलाब है। यू आर प्राउड ऑफ योर डॉटर कि उसने बहुत अच्छा काम किया है, सारी चीजें यहाँ पे मैंने एज इट इज अपने ऑफिस रूम में भी जोड़ के रखी हुई। ये कमरा यकीन करें वैसे लगता है जैसे ना यहाँ आके बस इंजॉय करो। चले जी गाइस, मम्मा बाहर घर शर देख रही है, चीजें जायजा ले रही, मेरी बेटी ने घर कैसा रखा हुआ है। मैं मम्मा का लगाती हूँ बिस्तर, चले मम्मा का लगाएंगे बिस्तर अभी, नहीं लगाना, मामा साथ सोएंगी, मैं नीचे सोऊंगा, ठीक है, मामा को साथ सो, मामा आइए, प्रोटोकॉल दो फुल टाइम, समझ आइए। ओके, जंगल वाली बैठी मम्मा प्यारी नहीं है,
ये मेरी बेडशीट को कहता जंगल मंगल। चले आप लोग अब रेस्ट करें, मैं भी जा रहा हूँ रेस्ट करने। ठीक है फुल चूड़ियाँ करना, माँ बेटी इंजॉय करना। आपको क्यों लग रहा है चूड़ियाँ करनी मम्मा? ये देखे क्या क्या उसका मतलब फुल बातें करना। प्रोटोकॉल रेस्ट करें, आंटी भी थकी हुई है। ठीक है काम काम करना, ज्यादा तंग ना करना। ओके की हर बात को उल्टा ना लिया। हाँ जी समझाए, थोड़ा बैठ के ना थोड़ा इसको समझाए कैसे हैंडल करना चीजें। ओके चलो जी गाइस, वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। इंशाल्लाह इंशाल्लाह सुबह मुलाकात होगी। अभी हम लोग लगे हैं सोने क्योंकि मैं भी बहुत थक गई हूँ। मम्मा कहेंगी इकरा नाश्ता, मम्मा भी अब रेस्ट करने लगी, मम्मा भी काफी थक गई हैं। मम्मी आपने झुमके शुमके निकाल दें, ठीक है इजी हो जाए। ठीक है तो अब हम जो है वो इस वीडियो को यहीं पे एंड कर रहे हैं। इंशाल्लाह आप लोगों से मेरी मुलाकात होगी कल अगले व्लॉग में। बहुत सारा अपना ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी फैमिली को स्पेशली अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।